तेरी शरण देख रहे शौर्य भारत और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। माता के दरबार के पट खुल गए हैं, आज सप्तमी है, श्रद्धालु भक्तजनों का तांता उमड़ रहा है, तमाम पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं का तांता उमड़ रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं श्री श्री दुर्गा पूजा समिति टेढ़ी घाट अखाड़ा पे अभी वहां पहुंचे। यहाँ भी करीब 60 वर्षों से माता की अर्चना की जाती है, माता की पूजा की जाती है। इस वर्ष 61वां वर्ष माता का लगातार लोगों के द्वारा आराधना के साथ माता की सच्ची भक्ति के साथ माँ की पूजा अर्चना की जा रही है। हम बात करते हैं यहाँ के समिति के तमाम सदस्यों से, कब से ये मूर्ति बैठाई जा रही है, कब से इसका पूजा अर्चना की जाती है, कब से बैठाई जा रही है मूर्ति यहाँ पे। यहाँ पे लगभग मूर्ति 60 साल, ये 61वां साल है। इससे पहले पूर्वज लोग बैठाते थे मूर्ति, जिसमें सुखदेव सिंह ठाकुर जी का योगदान था। हमारे समिति गली के लोगों के साथ मिलकर मतलब छोटी सी प्रतिमा बैठा करी थी भारत माता के रूप में। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समाज के लोग बने, मझट्टा वासियों का योगदान भरा और हमारी समिति के सदस्य लोगों का, जो कि सब यहाँ पे मौजूद हैं, उन लोगों के सहयोग से आज हमारी प्रतिमा विराजमान यहाँ पे है, जो आप देख सकते हैं। कुछ भव्यता है, किस तरह की इस बार की भव्यता है, चूंकि 61 वर्षमा इस बार आप लोग मना रहे हैं, तो क्या भव्यता है इस बार? एक तो ये सच्चा दरबार है और इस बार हम लोग बंगाल के शुभ कारीगर को लेके आए हैं, जो कि एक आपको प्रतिमा रोड पे मिल जाएगी। एक है अमृत महोत्सव द्वार जो कि नया बना है और एक है तिरंगा गेट, जो कि इस बार भारत का 75वां वर्षगांठ हुआ था, उसी के शुभ उपलक्ष्य में इस गेट का निर्माण कराया गया है। क्योंकि सजावट में टेढ़ी घाट का नाम सबसे आगे देखा जाता है हर वर्ष, तो इस वर्ष किस तरह की झांकियां, किस तरह का सजावट है टेढ़ी घाट में? जैसा कि आपको 2014 या 2015 में हमारे स्वर्गीय रविकांत भैया जी एफिल टावर का निर्माण करवाए थे, जो कि पूरे बिहार में, इंडिया में एक गौरव की बात थी कि टेढ़ी घाट प्रांगण में इतना भव्यता, सुंदरता, सजावट कहीं नहीं हुआ था। तो उसी का योगदान आज हम लोगों का काम कर रहा है और मैं उसी के अनुरूप उन्हीं के मतलब छाया का एक काम करने जा रहा हूँ, जो उनको लगे कि हाँ, दो गेट बनाया गया है। हाँ, दो कौन कौन से गेट? एक बनाया गया तिरंगा द्वार, एक बनाया गया अमृत महोत्सव द्वार। श्रद्धालुओं किस तरह से तांता उमड़ रहा है, मतलब आज पट खुला है और लगभग यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं अष्टमी नवमी के दिन। किस तरह से योगदान और किस तरह से समिति के तमाम लोग काम करते हैं? हमारे टेढ़ी घाट अखाड़ा दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष प्रभाकर जी हैं, उन्हीं के सफल निर्णय के कारण आज ये समिति इतनी ऊपर पहुंच चुकी है कि आज बिहार में टॉप 10 में गिनती आ रही है। और हमारे कुछ प्रमुख कार्यकर्ता जिसमें चंदन पटेल जी हैं, राजीव राय जी हैं, जूली रजक जी हैं, रवि राम जी हैं, इन लोगों का सहयोग इस समिति में हमेशा मिलता रहा है और हम यही कामना करते हैं कि हमारे जो अध्यक्ष हैं उनका भी आशीर्वाद हम लोग के ऊपर बना रहे और माता का साथ है। ये 60वां वर्ष मनाया जा रहा है टेढ़ी घाट की तरफ से, तो क्या कहेंगे इस मौके पर? इस मौके पर उत्साह उत्साह से टेढ़ी घाट दुर्गा पूजा समिति के सौजन से और भव्य कार्यक्रम किया गया। अमृत द्वार एक तरफ, पैसा द्वार बनाया गया और माता रानी के द्वारा भव्य दरबार में माता रानी बिजानी से। उसके बाद हमारे गर्मी के दिन बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेशन है जो कि कलकत्ता से बुलाया गया। कोने कोने से लोग श्रद्धालु भक्तजन यहाँ आते हैं, माँ के दरबार में आते हैं, हाजिरी लगाते हैं। दानेपुर से यहाँ लोग आते हैं और अभी यहाँ 2 घंटा पहले भी हमारे हाजीपुर से मित्र आए हुए थे, भेंट मुलाकात करके हैं। बिहार शरीफ से भी आए थे अभी और मारूगंज से भी कुछ साथी आए हैं हमारे, बोले कि भाई तुम्हारा टॉप 10 में नाम आ रहा है, जो कि हम लोग को भी हमको चाय सलमित होना है। हमका ऐसा है कि गर्मी के दिन विसर्जन है और बहुत कलकत्ता से हम लोगों ने प्रोग्राम बुलाया है और उसमें बहुत ही भीड़ में। किस तरह से शोभा यात्रा है, किस तरह से भव्यता इस बार? शोभा यात्रा भव्य यात्रा है कि झांकी है जो कि बहुत बड़ा 16 चक्का ट्रोली है, कलकत्ता से हमने बुलाया प्रोग्राम कराने के, जो कि गर्मी के दिन 12-1-2 बजे तक हम लोग निकालने का ही अथी किया है। इस बार भव्यता के साथ टेढ़ी घाट पूजा समिति अब इस बार का दशहरा श्राद्ध नवरात्र मना रही है। 2 गेट बनाए गए हैं, एक अमृत महोत्सव गेट, एक तिरंगा द्वार बनाया गया है और तमाम तरह की भव्यता के साथ इस बार दशहरा दुर्गा पूजा समिति टेढ़ी घाट मना रही है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि विसर्जन जो भव्य शोभा यात्रा के साथ विसर्जन की जाएगी, कलकत्ता से आर्टिस्ट आ रहे हैं और साथ ही साथ तमाम श्रद्धालु बिहार के कोने कोने से लोग यहाँ पहुंचते हैं टेढ़ी घाट में और माता के दरबार में हाजिर लगाते हैं। हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, तब तक हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज, जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।